60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया है। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, ना नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये न केवल संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि नौजवानों के साथ, उनके भविष्य, उनका आने वाला समय है, कल है, उसके साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। यहाँ नौजवान संकल्प लेकर के जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उस उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है। अखिलेश जी, अभी जैसे आपने बोला 80 हराओ, 80 हराओ को अगर बता दें उसका क्या अर्थ निकाला जाए कुछ अगर। गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया काले कानून वापस ले लिए। किसान को और किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे उन फार्मूलों का अमल क्यों नहीं कर रहे, MSP क्यों नहीं लागू कर रहे। एक तो ये बात और दूसरी 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे, उनका गुणा कर दो, माँ बाप मिला लो, 3 अगर गुणा कर देंगे 60 लाख में तो 1,80,00,000 लोग बनते हैं। और 1,80,00,000 का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट बनता है जो नाराज बैठा हुआ है। और अभी जो 2 परीक्षाएं पेपर लीक हो गए तो सोचो कितने बच्चे हो गए, उनका परिवार जोड़ लो तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का 1 लोकसभा में 3,00,000 वोट कम हो रहा हो, वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो सब पार्टी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।